सो हे गाइस एंड गर्ल्स, पोकोसोल के एक नए वीडियो में आपका स्वागत है। मुझे पता है थोड़ी सी वीडियो लेट है, लेकिन मैं करूँ भी क्या यार। पूरा दिन, कल वाला पूरा दिन इन लोगों ने ना पूरा का पूरा दिन मेंटेनेंस पे निकाल दिया। मतलब भाई लिटरली है ना मेंटेनेंस पे निकाल दिया। और है ना इस वाले वीडियो में ना हमें ना बहुत सारी चीज़ों को लेके बात करने वाले हैं, लेकिन है ना उससे पहले मैं भाई यार इस मेंटेनेंस के टॉपिक पर बात करना चाहता हूँ। मतलब भाई सीन क्या है यार, पूरा दिन और तुम चेंजेस करते भी नहीं हो कुछ। मुझे तो कुछ भाई मतलब नोटिसेबल चेंज नहीं दिख रहे भाई। पूरा का पूरा दिन तुमने है ना भाई यार पूरा का पूरा दिन पे उड़ा दिया। और कल है ना सिर्फ और सिर्फ एक रिवॉर्ड मिला था, सिर्फ और सिर्फ एक रिवॉर्ड। बाकी के जो भी होते हैं ना, वो जो वर्ल्ड जिम वाला होता है, उसके बाद जो वर्ल्ड बॉस वाला होता है, और जो भी जितने भी सारे रिवॉर्ड होते हैं ना, कुछ नहीं दिया उन लोगों ने। सिर्फ और सिर्फ एक प्यूटर जिम का रिवॉर्ड दे दिया और भाई कहा भाई खत्म बात। मैं तो भाई यार पूरा गुस्से में था, लेकिन उन लोगों ने कंपनसेशन के लिए मतलब कंपनसेशन के नाते एक रिवॉर्ड दे दिया, जो कि मतलब तीन शार्ड, मतलब तीन पोकेमोन के 10-10 शार्ड। और मतलब ये तो भाई की सारी चीज़ें घटिया है, लेकिन ये पसंद आया मुझे इन लोगों ने ना पोके कॉइन दिए 9। मतलब ये कंजूसी करने की क्या जरूरत थी, 10 के 10 पोको पॉइंट दे देते। उसके चक्कर में मुझे है ना भाई यार ये रेनबो डायमंड उधार लेने पड़े, क्योंकि मैंने तो भाई यार 120 ही आए थे मुझे कल। मैंने 2 बॉक्स ओपन किए, खत्म रेनबो डायमंड खत्म, और इन लोगों ने 9 दे दिए। लेकिन मतलब चलो एक्सेप्टेबल है, अगर है ना सिर्फ और सिर्फ शार्ट देते तो मैं बहुत ज़्यादा गुस्सा हो जाता, लेकिन एटलीस्ट इन लोगों ने ना पोको कॉइन दिए, जो कि बढ़िया वाली बात है। और है ना आप लोग भी है ना कलेक्ट कर लेना अगर आपके पास पोको कॉइन मतलब है, मतलब अभी रैंकिंग वगैरह बहुत सारी चीज़ें चल रही है, आप लोग है ना इससे ना आपको हेल्प मिल जाएगी और फ्री में मिल रहा है, तो दिक्कत वाली बात क्या है। और कंपनसेशन के नाते दे रहे, तो चलो यार मतलब मान लेते हैं। और हाँ, टाइम आइलैंड आया है, और टाइम आइलैंड पे है ना मैं भाई यार बहुत टाइम पहले ही वीडियो बनाने वाला था, और मुझे है ना मगियरना मिल चुकी है। और मगियरना इज़ वन ऑफ द बेस्ट टाइम आइलैंड पोकेमोन। अरे मिस्टी का साइडक भी आया है यार, मुझे मिस्टी का साइडक भी कैच करना है, बट आई डोंट थिंक सो मैं कर पाऊंगा, क्योंकि मेरे पास इतने रेनबो डायमंड है नहीं, और एक अकाउंट से क्या ही होगा, और मेरे पास इतने रेनबो डायमंड तो है नहीं। तो मैंने मगिरना तो कैच कर ली, और ऊपर से भाई यार कल इन लोगों ने रेनबो डायमंड दिए ही नहीं थे, 120 दिए थे, और मैंने ना फाइनली अपनी मगिरना को है ना कैच कर लिया है। रुको दिखा देता हूँ मैं, और सीन क्या है, इसको मैंने ना अभी 6 स्टार किया है, लेकिन मेरे दिमाग में अभी एक आइडिया है कि मैं सोचता कि मगिरना को करते हैं 7 स्टार इंस्टेड ऑफ फारफेच, क्योंकि सीन क्या है मगिरना ज़्यादा यूज़फुल है कंपेयर टू फारफेच। और मगिरना इज़ वन ऑफ द बेस्ट पोकेमोन। और मुझे है ना मगिरना के 2 ये मिल चुके हैं, मतलब दो नेचर मिल चुके हैं, ये रिलैक्स। तो यार मतलब पर्सनली मैं रिलैक्स नेचर का कुछ खास फैन हूँ नहीं, हाँ रिलैक्स्ड मेरे को उतना कुछ खास पसंद है नहीं पर्सनली। ये नेचर बढ़िया नेचर है, मतलब भाई वन ऑफ द बेस्ट नेचर है, लेकिन पर्सनली मुझे कुछ खास पसंद है नहीं, क्योंकि ना जब तुम्हारी है ना HP लो हो जाती है ना, तो ये अटैक इंक्रीज कर देता है। लेकिन मैं मानता हूँ कि अगर है ना तुम्हारी HP लो हो गई है, तो तुम्हारा पोकेमॉन फील्ड पे टिकना ही बहुत ज़्यादा मुश्किल बात हो जाती है, कुछ एक्सेप्शन मान ले तो। इसलिए मेरे को रिलैक्स नेचर उतना कुछ खास पसंद है नहीं, और अगर है ना इसकी इंडिविजुअल वैल्यू मेरे को अच्छी खासी मिल जाती, तो यार मैं ना सीरियसली जेन्युइनली है ना इसको है ना मतलब टीम में डाल देता सेकंड या फिर थर्ड। लेकिन मिली नहीं, तो चलो यार कुछ नहीं कर सकते। और आप लोग कहोगे कि तेरे पास तो सिर्फ और सिर्फ 2 डिटो है, बाकी के कहाँ से लगाएगा, तो मैं बताता हूँ भाई, टेंशन ना लो। और भी है ना एक दो चीज़ें दिखानी है, तो वीडियो लास्ट तक जरूर देखना। और वीडियो देख रहे हो मतलब भाई तुम वीडियो देखते हो और देख के चले जाओ, तो ऐसा थोड़ी चलेगा यार, वीडियो पे लाइक कर दिया करो, वीडियो पे लाइक कर दिया करो भाई, जिससे है ना तुम्हारे 88 भाई को है ना रीच मिलेगी, रीच रीच का भूखा है 88 भाई। तो ना वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो, और एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, क्योंकि आप लोगों के कमेंट है ना भाई यार इतना पढ़ के खुशी होती है ना, तो एक प्यारा सा कमेंट कर दिया करो, और वीडियो पे लाइक कर दो यार। भाई कर क्या रहे हो, वीडियो पे लाइक कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो। तो मैं काम करता हूँ, इसको रिवर्स कर देता हूँ, जिससे मेरे को मेरे सारे के सारे डिटो वापस मिल जाएंगे, क्योंकि मैंने ना अभी तक सीन क्या होता है, जब तक है ना तुम है ना इसको रिक्वायर्ड अमाउंट में ना स्टारअप नहीं कर लेते, मतलब है ना हर पोकेमोन की एक रिक्वायर्ड स्टारअप लेवल होती है, जिससे है ना उसकी ट्रेनर लेवल या फिर एनीथिंग अनलॉक होता है। जैसे कि आर में कुछ अनलॉक होता है, जैसे कि आर में 10 स्टार पे अनलॉक होता है, SR में 9 स्टार पे अनलॉक होता है, वैसे ही SSR में 7 स्टार पे अनलॉक होता है, पहला SP पे होता है 3 स्टार पे। और है ना अगर वो उतने रिक्वायरमेंट में है नहीं, और उसको है ना तुम है ना मतलब उसके पहले ही मतलब वो रिवॉर्ड इधर वाला क्लेम करने से पहले इधर जाके है ना तुम लॉक कर दोगे। मतलब सीन क्या होता है, जैसे हम ये लेते हैं ना क्लेम करते हैं ना, वो पोकेमोन लॉक हो जाता है, उसके बाद है ना वो रिबर्थ करने के बाद वो अपनी ओरिजिनल फॉर्म में फिर से वापस नहीं जा सकता, मतलब लेवल 1 वाली वो स्टक हो चुका है उतने स्टार पे। तो वही सीन होता है कि है ना मैंने अभी तक इसको उस स्टार पे स्टक नहीं किया, इसलिए ना जितने भी मैंने इसमें इन्वेस्टमेंट किए हैं वो मुझे वापस मिल जाएंगे ऐसे। तो चलो मैं मगेरना को करता हूँ स्टार अप, और मुझे और एक पोकेमोन को स्टार अप भी करना है।
ओके 31 इनफ है और मुझे अपने इसको भी स्टार्टअप करना है। रुको दिखा देता हूँ अभी मेरी कितनी है, 20 ट्रेनर लेवल है। ओके मेरे हिसाब से 26 तो कर ही लूँगा मैं इस वाले वीडियो में या फिर उससे भी ज़्यादा, देखता हूँ मैं कितनी कर पाता हूँ। मैंने मतलब लाइक अच्छी खासी, ये देखो मैंने इसको भी लाइक कैच करके रखा है, मैंने इसको भी 7 स्टार मतलब लाइक एक एक करके मैं सबको है ना 7 स्टार करने की फिराक में हूँ। चलो इसको करते हैं भाई, शुरुआत इससे करते हैं मतलब अपने टापू कोको से करते हैं। चलो एक यहाँ से मिल गई, इसको भाई बहुत टाइम से मैं वेट कर रहा था और मेरे को है ना इसका ये आईवी भी मिल चुका है, आईवी भी सही है और मेरे पास इसके नेचर है, तो मैंने सोचा कि यार एक ओके रिलैक्स्ड फोर है मेरे पास इसके नेचर है, तो मैंने कहा कि यार लाइक चल ठीक है यार भाई यार क्वाइट वन है, मैं रिलैक्स टू ही लगा देता हूँ। ओके अब भाई यार भाई मेरे पास भाई इतनी गरीबी मेरे पास ये नहीं है यार भाई, जेन्युइनली मेरे इतनी गरीबी भाई कॉइन्स नहीं है, मुझे है ना ये बॉटल्स भाई बेचनी पड़ेगी। मैं यही करता हूँ भाई यार, एक टेक्निक है मेरे को, जब भी है ना लाइक कॉइन्स की कमी होती है ना मैं यहाँ वाली एक्सपी वाली बॉटल्स बेच देता हूँ भाई। एक्सपी वाली ओके ओके है भाई, मैं कहने वाला था कि एक्सपी वाली बॉटल्स भी नहीं है क्या मेरे पास, इतनी इतनी भयंकर लेवल की गरीबी क्या ही बताओ यार। ओके रुको रुको भाई, फिर से पुराने दिन याद आ गए यार, क्योंकि पुराने दिनों में भी बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी, मतलब लाइक बहुत दिक्कत होती थी बहुत भाई एक्सपी बॉटल्स वगैरह की। चलो यार मैं पूरी की पूरी ही बेच देता हूँ क्योंकि मेरे पास स्टैमिना है, तो एक्सपी की बॉटल्स मैं आराम से ले सकता हूँ। अभी तो भाई यार कॉइन्स की ज़्यादा ज़रूरत है मुझे, एसएसआर में जाना था। ओके मुझे देने हैं इसको नहीं, रिलैक्स टू और केयरफुल टू, क्योंकि ये एक्स्ट्रा वाले नेचर है, शायद मैं वो क्वाइट वन लगा भी सकता हूँ, इक्विप भी कर सकता हूँ, इसीलिए मतलब लाइक उसको मैंने रहने दिया। और अपनी फाइनली मगिरना, और मगिरना है ना मेरे पिछले वाले टीम में भी थी, मतलब पिछले वाला जो अकाउंट था ना उसमें भी मैंने अच्छे खासे अमाउंट में मगिरना पावरफुल करके रखी थी। और मगिरना के सीन साथ सीन क्या हुआ बताए क्या, मगिरना है ना 2 मिली मुझे, लेकिन है ना वहाँ लाइक एक मेगा ब्रेव का है ना मतलब लाइक कोई तो पोकेमोन आया था और वो मगिरना के एकदम पास में खड़ा था, तो मैं उसको लेके कंफ्यूज हो गया कि मुझे लगा कि मुझे ना मेगा ब्रेव की मगिरना मिल गई है। और है ना भाई यार मैं इतना खुश हुआ, उसके बाद कैच हुआ, कैच होने के बाद मुझे ये क्वाइट 3 मिला, मैं पूरा ऐसे पूरा शॉक्ड, अरे भाई ये क्या हुआ। फिर मैंने ढंग से देखा तो वो म्यू या फिर कोई और पोकेमोन था, जो कि एक्चुअली मैं ना मेगा ब्रेव था, ये नहीं था, मगिरना नहीं थी। मैं क्या बताऊँ यार भाई, इतना बुरा लगा क्या क्या बताऊँ। और बाकी के पोकेमोन भी मैं स्टार्टअप कर रहा हूँ धीरे धीरे, क्योंकि ट्रेनर लेवल बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। लेकिन अपने भाई यार शैडो किल तो अपग्रेड हुई नहीं भाई, इतना बुरा लग रहा है ना उसके लिए भाई, क्या बताऊँ, ब्लू की ब्लू रह गई। स्पॉइलर अलर्ट भाई, शैडो किल हमारी नहीं हुई, अगर किसी ने नहीं देखी होगी अब तक पिछले वाली वीडियो तो देख लेना यार, क्या ही बोलूँ अब मैं भाई यार, वो सोचता हूँ तो दुखी हो जाता हूँ, क्या ही बोले। अरे हाँ भाई यार मुझे स्पिन करनी थी, मैं भूल गया यार, अभी अभी मैंने इतने सारे टोकन्स तो इसलिए तो जमा करके रखे, मुझे स्पिन करनी है यार भाई, स्पिन करनी है। चलो 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 भाई यार स्पिन करनी है, मैं भूल गया था स्पिन के बारे में, क्योंकि यहाँ से ना एक एसपी पोकेमोन मिलने के चांस है, मतलब भाई कहने में क्या जाता है, चांसेस तो नहीं है लेकिन कहने में जाता क्या है अपना। तो चलो यार लाइक प्रे करते हैं, चाहिए तो म्यूटू मुझे, लेकिन है ना आप लोग है ना वीडियो पे लाइक कर दोगे तो मैंने जैसे कि कहा है वीडियो पे लाइक करने से है ना लक बढ़ता है, तो अभी तक अगर अभी तक किसी ने ना वीडियो पे लाइक नहीं की तो यार भाई वीडियो पे लाइक कर दो। तो चलो 10 स्पिन करता हूँ मैं भाई, सच बताओ तो डर लग रहा है, मुझे पता है कुछ नहीं मिलने वाला, लेकिन भाई चलो भाई कुछ कुछ नहीं जाने वाला अपना। अरे क्या क्या करूं मैं इसका, क्या करूं इसका, क्या करूं, मार भी नहीं। शायद इस अकाउंट के साथ मेरा लक घटिया ही है, और जो मैं सोच रहा था नया अकाउंट बनाने का उसके बारे में मुझे जेन्युइनली सोचना चाहिए, क्योंकि इस सर्वर में ना तो मेरा कोई सेकंड अकाउंट है, ना तो कहीं से रेनबो डायमंड मिल सकते हैं, ना तो मेरे पास कोई एसपी पोकेमोन है, ना तो मेरी शैडो किल रेड अपग्रेड हुई, ना तो कोई ऐसी चीज़ है एक्सेप्ट वन, ना तो मेरे पास कोई ऐसी चीज़ है जिसको लेके भैया ये अकाउंट को लेके मैं बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हूँ, एक्सेप्ट वन वो की है, ये देखो मेरे पास चारों के चारों है ना मतलब लाइक ये मिल चुके हैं ड्रैगन स्केल, क्योंकि मैं स्पेस टाइम रैम जीत गया था और उधर से मेरे को 2 परफेक्ट वाले हील आइटम मिले, लेकिन ड्रैगन फैंग उतना कुछ खास अच्छा हील आइटम है नहीं, तो यार मतलब वो भी कुछ खास खुशी वाली बात है नहीं भाई, क्या बोलो मैं भाई, इतना बढ़िया दिन जा रहा था, ये भाई गेम मूड ख़राब कर दिया। चलो ठीक है यार, मैं सोच रहा आज की वीडियो कल बस इतना ही रखते हैं, अगर आपको वीडियो पसंद आए तो वीडियो पर लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।